गुड आफ्टरनून बच्चों, परसों की क्लास में हमने फलन सीमा सांत्वयक टॉपिक था हमारा, फलन के ऊपर हमने बात करी थी, कुछ सवाल भी हमने आपको बताए थे। अब हम आज पढ़ेंगे सीमा, लिमिट। लिमिट से हम क्या समझते हैं? अध्याय 9, फलन सीमा सांत्वयक हमारा टॉपिक है। पिछले इसमें हमने, परसों जब हमारी क्लास हुई थी, परसों क्लास में हमने फलन के बारे में समझा था कि फलन क्या होता है, फलन का हम मान कैसे ज्ञात करते हैं, उनके बीच गणित में कैसे उपयोग किया जाता है, उनकी संक्रियाएं क्या हैं, ये हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे लिमिट। लिमिट का मतलब सीमा। लिमिट का मतलब हिंदी में हम बोले तो, नवा अध्याय आप लोगों ने सबके पास में पढ़ चुके हैं, हम थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे। आप ध्यान से आप लोग सब बैठ रहिए, पहले छिंदवाड़ा क्लास के बच्चे चलिए हम स्टार्ट करते हैं लिमिट। लिमिट का मतलब हम बोलते हैं सीमा। इसमें हम पढ़ते हैं एस टेंस टू ए, इस एरो का मतलब है जा रहा है, टेंस टू, एक्स टेंस टू ए, एक्स ए की ओर अग्रसर हो रहा है। इसका मतलब है हमारे पास में कि एक्स माइनस ए का निरपेक्ष मान जीरो से बड़ा होगा, लेकिन एक्स माइनस ए का मान जीरो के बराबर नहीं है। जीरो से बड़ा तो है लेकिन जीरो के बराबर। और तीसरी बात हो सकती है हमारे पास में x माइनस एक आपका छोटा होता जा रहा है। तीन बातें आती है हमारे पास में। x टेंस टू ए, टेंस टू मतलब ये हो रहा है a की ओर अग्रसर, x a की ओर अग्रसर जाना, अग्रसर आगे की ओर बढ़ना, अर्थात x टेंस टू ए, x a की ओर जा रहा है। इसका मतलब है तीन बातें हो सकती है। एक पेन लिखो, x माइनस ए का निरपेक्ष मान या तो जीरो से बड़ा होगा या x माइनस ए का मान जीरो के बराबर नहीं है, तीसरा x माइनस ए का निरपेक्ष मान छोटा होता है। तीन बातों में हम इसको डिस्कस करेंगे। इनमें हम दो लिमिट लेके चलते हैं। हमें पता है बीच में यदि हम जीरो रखें तो प्लस साइन लेते हैं, इस ओर हम माइनस साइन लेते हैं। यह हम पहले से पढ़े हुए हैं आपके पास में कि जिनके मान हमारे पास में दिए रहते हैं तो जीरो यदि बीच में रखें तो राइट हैंड साइड पे प्लस लेते हैं, तो हम इस साइड राइट हैंड साइड लेंगे आपके, इस साइड हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो जीरो जो हमारे पास में है अलग से लिख दें हम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड है आपका, बीच में आपका जीरो। तो यदि हम इनको कोई एक्स राशि को मान लिया जाए कि एक्स अग्रसर है ए प्लस, अर्थात राइट हैंड अग्रसर हो रहा है, राइट हैंड पर अग्रसर हो रहा है। यदि दूसरा हम इस प्रकार लिखें एक्स टेंस टू ए माइनस, ए के ऊपर हमने माइनस लगा दिया, अर्थात ये चल रहा है आपका लेफ्ट हैंड में अग्रसर। तो ये हमारी लिमिट ही निकालेंगे हम। हम सबसे पहले पढ़े सीमा, लिमिट। लिमिट अर्थात इसको हम कहते हैं सीमा। x टेंस टू a, x टेंस टू a के तीन बातें हो सकती है, अर्थात x a की ओर अग्रसर हो रहा है, इंग्लिश बोलते हैं टेंस टू, x टेंस टू a, a की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इंग्लिश में थोड़ा सा सरल पड़ जाता है, इसलिए आप लोग भी ध्यान से बोल सकते हैं x टेंस टू a,
तीन बातें हमारी हो सकती हैं, x माइनस a का निरपेक्ष मान या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा या लगभग जीरो के बराबर नहीं होगा। हम जीरो बराबर लेके नहीं चलते, तीन बातों में हम इसका परिकलन करेंगे। इसमें हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम प्लस साइन, आपको दिख रहा है कि हम यदि खड़े हो जाएं, सीधे हाथ की तरफ हमारा प्लस आता है, उल्टे हाथ की तरफ हमारा माइनस आता है। तो यदि हम इस तरीके से खड़े होकर आराम से इसे याद रख सकते हैं कि एक राइट हैंड लिमिट होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। यदि इनका परिकलन कैसे किया जाता है, इनका परिकलन करने के लिए मान लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू हमने राइट हैंड ली प्लस में, हम ले रहे हैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस हमारे पास में दिया है, तो हम इस फंक्शन को जीरो के इसमें भी लिखा जा सकता है। आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू जीरो, हमने एक अन्य राशि मान ली आपकी h टेंड्स टू जीरो। अब जहां हमारे पास में दिख रहा है ये प्लस है, जहां x लिखा हुआ था वहां पर हम फंक्शन a प्लस h से लिखकर हल करेंगे, क्योंकि x टेंड्स टू एक ही तरफ है हमारे पास में। तो हमने मान लिया आपके पास में h टेंड्स टू जीरो, और जहां x लिखा था वहां हमने लिख दिया a प्लस h। तो ध्यान दीजिए, लिमिट जब हम चेंज करते हैं आपका टेंड्स टू जीरो लाते हैं, तो जब राइट हैंड लिमिट होती है तो हम a प्लस h का उपयोग करते हैं। फिर आती है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम देखें a टेंड्स टू a माइनस, माइनस की तरफ अग्रसर हो रहा है, अर्थात जो हमारा फंक्शन होगा उसमें हम लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ a माइनस h लिख का सवाल को हल करेंगे। तो दो लिमिट है हमारे पास में, राइट हैंड लिमिट, दूसरी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हमने उपयोग किया था a प्लस, जब a प्लस को हम जीरो में कन्वर्ट कर रहे हैं तो h टेंड्स टू जीरो, और ये h हम लेकर अपने मन से आए थे तो हम फंक्शन को बना दिया a प्लस h। जहां x लिखा था आपका x टेंड्स टू a लिखा था, x की जगह हमने a लिखा और ये h हमने माना था, तो h टेंड्स टू जीरो, तो फंक्शन ये आपका a प्लस h। अर्थात जब राइट हैंड लिमिट ली जाती है तो फंक्शन a प्लस h में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार जब लेफ्ट हैंड लिमिट ली जाती है तो ये माइनस दिख रहा है आपको a के ऊपर, लेफ्ट हैंड यहाँ पढ़ा था हमने जीरो के साइड आपका राइट हैंड, राइट हैंड में माइनस दिख रहा है हमको। जब भी लिमिट हम लेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो वहां पर हम a माइनस एच का उपयोग किया जाएगा। ये दो बातें हम आसानी से याद रखें तो हम सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। का परिचय कि हम किस तरीके से लिमिट के सवालों को हल करेंगे। अब लिमिट का परिकलन कैसे किया जाएगा, लिमिट के सवालों को हल किस तरीके से करेंगे। लिमिट के सवालों को हल करने के लिए तीन नियम है हमारे पास में। इन नियमों को हम ध्यान में रखें कि कौन कौन से नियम से उपयोग किया जाता है। पहला, लिमिट का परिकलन करना। लिमिट का परिकलन तीन विधियों द्वारा होगा। पहला, गुणनखंड विधि। गुणनखंड हमने पढ़े हुए हैं टेंथ में, नाइन्थ में, गुणनखंड किस तरह से किया जाते हैं, तो नाइन्थ टेंथ में हम गुणनखंड पढ़े हुए हैं। तो पहला, गुणनखंड लिमिट के सवालों को हल करते हैं। दूसरा, प्रतिस्थापन विधि से सवालों को हल करते हैं। दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि आती है हमारी परिमेयकरण विधि। तो तीन विधियों से हम लिमिट का परिकलन करते हैं। सबसे पहली विधि हमारी गुणनखंड, अर्थात यदि आपके पास में कोई सवाल दिया है उसको हम गुणनखंड करके सरल कर सकते हैं तो उसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। नाइन्थ टेंथ में हमने गुणनखंड बनाने सीखे हैं। गुणनखंड वर्ग समीकरण का आसानी से बनाया जा सकता है, तो गुणनखंड विधि द्वारा हमको हल करना है। दूसरी विधि आती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। अभी हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ए प्लस ए माइनस को हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन के द्वारा हम सवालों को हल कर सकते हैं। तीसरी विधि आती है हमारी परिमेयकरण। परिमेयकरण आपने नाइन्थ में कुछ सवाल हल किए थे करणी के, थोड़ा सा नाइन्थ का हम रिविजन करें तो नाइन्थ में हमने करणी पढ़ी थी, जहां हमने करणी के सवालों को हल करने के लिए यदि भिन्न के रूप में करणी हमें दी हुई थी तो हमने परिमेयकरण करना सीखा था।
परिमेय करणन करने के लिए यदि दो संख्याएं हैं बीच में प्लस का साइन है तो माइनस का उपयोग करते हैं, माइनस का साइन है तो प्लस का उपयोग करते हैं, अपोजिट गुणा भाग करके हम सवाल को हल करते हैं, ये हमने सीखा था। चौथा एक आता है आपका एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल आपके पास है, एल हॉपिटल रूल आधारित है आपका अवकलन पर। अभी हमने अवकलन नहीं पढ़े हैं इसलिए इसका हम नहीं करेंगे। अवकलन के द्वारा हल किया जाता है, जैसे आपके पास में यदि जिनने अवकलन पढ़ चुके हैं तो उनके स्थान पर वो आसानी से हल कर सकते हैं। एफ एक्स बटे जी एक्स की लिमिट हमें x टेंस टू c पर ज्ञात करनी है तो हम उसका परिकलन करने के लिए लिमिट x टेंस टू c हमने परिकलन किया f डैश x डैश आपका प्रथम अवकलन कहलाता है f डैश x बटे g डैश x से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने पिछले आगे इसमें पढ़ाया आएगा आपका, आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे आपके पास में अवकलन के द्वारा सवाल को हल करना। इस विधि का हम कम उपयोग करेंगे। अभी हमारे पास में तीन विधियां हैं, गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि और तीसरी है आपकी परिमेयकरण विधि। इन विधियों के द्वारा हमें सवाल को हल करना है। आपके किताब के कुछ सवाल हम यहाँ पर लेते हैं। आपकी प्रश्नावली 9A और 9B हम पिछले समय कर चुके थे, 9A और 9B हम कर चुके थे, अब हमारी आएगी 9C प्रश्नावली। 9C प्रश्नावली आपके पास में लिमिट का परिकलन करना है, तो परिकलन करने के लिए आपके पास में सवाल है। अब हम कुछ सवालों को लेंगे। मान लीजिए आपके पास में सवाल दिया हुआ है, आपके पास में मान ज्ञात कीजिए लिमिट x टेंस टू 2, x दो की ओर अग्रसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका हमें परिकलन करना है। परिकलन करने के लिए मान लो आपको याद नहीं रहा, आपने लिख दिया x की जगह, मतलब हमें 2 रखना है, x की जगह 2 रख दिया, स्क्वायर में 4 आ गया, यहाँ पे रखा आपने 2 तो 5 दो 10 आया, लेकिन चिन्ह माइनस है और ये 6 और 4 10 और 10 में से 10 गया 0, नीचे भी ऐसा 0, अर्थात आप डायरेक्ट आंसर रख देंगे तो हमेशा आपको 0/0 दिखेगा और इस 0/0 की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है 0/0 की। हमें सवाल को हल करना है, हमें दिख रहा है हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हमें दिख रहा है ये गुणनखंड किए जा सकते हैं, तो हम यदि ध्यान से दें तो आराम से कर सकते हैं। नीमच में टीचर और बच्चे आपस में अपनी ही, तो यदि यहाँ क्लास लगी है तो आप देख सकते हैं, जरा बच्चों को बोलिए देखें, आप अपना काम वहां पर बैठकर कर रहे हैं, बच्चों को इन्वॉल्व उसमें किए हुए हैं आप, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये इस तरीके से नहीं होती है। यदि हम आपकी क्लास यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को इन्वॉल्व रखेंगे तो हमसे क्या सीखेंगे वो, तो आप जरा उन्हें बताइए। पिछले इसमें भी हमने देखा था आपके यहाँ कुछ लड़कियां बैठी थी, केवल अपना काम कर रही थी, ना वो ब्लैक बोर्ड पे देख रही थी ना किसी चीज पे ध्यान दे रही थी, तो ध्यान दीजिए आप, अन्यथा बंद कर दीजिए अपना। सवाल आपका दिया हुआ है, इसे हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले विधि हमने पढ़ी थी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं, गुणनखंड करना हमने सीखा है, दिख रहा है हमारे पास में ये आपका वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण में आपके पास में हल करना हमें आता है, यहाँ पर सिखाऊंगी नहीं मैं गुणनखंड कैसे करते हैं, ये हम पहले सीख चुके हैं। दिख रहा है हमारे पास में 6 का गुणा और भाग करके हमारे पास लाना है माइनस में 5। जब बीच की संख्या माइनस होती है तो दोनों आखिरी के पॉइंट आपके माइनस में आते हैं, अर्थात 3 × 6 आपके पास, 3 और 5 का किया जाए आपके पास में तो एक्स माइनस 3 और दूसरा गुणनखंड बन जाएगा आपके पास में एक्स माइनस 2। नीचे भी हम गुणनखंड के लिख सकते हैं आपके पास में x माइनस 2 x प्लस 2, ये हमने सूत्र पढ़ा हुआ है, दी हुई है आपके पास में लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 ऊपर गुणनखंड कर दिया x माइनस 2 बटे, नीचे भी सूत्र से गुणनखंड हो गया आपके पास में a माइनस b स्क्वायर के फार्मूले से a माइनस b a प्लस b, हम x माइनस 2 दोनों कैंसिल कर सकते हैं,
अब केवल लिमिट आपके पास में मान दी हुई है, आपके पास में जो शेष बचा है आपके पास में x माइनस 3 बटे x प्लस 2। यदि हमने x बराबर 2 इसमें रख दिया, 2 माइनस 3 हमारे पास में माइनस 1 आया और 2 और 2 आपके पास में हो गया 4। अर्थात इस पूरे सवाल का हल माइनस 1 बटे 4 निकाला जा सकता है। तो आपने देखा यदि हम इसके गुणनखंड नहीं करते, हम डायरेक्ट मान रख देते तो आंसर हमारा 0 बटे 0 आ रहा था, जो कोई वैल्यू नहीं थी। तो हमें ध्यान से, हमने इसमें गुणनखंड विधि का उपयोग किया, गुणनखंड विधि से जो कट सकता था उस गुणनखंड को हमने काट दिए, उसके बाद हमने वैल्यू पुट करी है, पुट करने के बाद आंसर हमने निकाला है। तो ये आपकी गुणनखंड विधि के साथ। एक सवाल हम कर रहे हैं परिमेयकरण विधि से। सवाल आपका दिया हुआ है, ये सवाल आपको जितने बैठे हैं समझ में आया किस तरीके से किया है? सवाल आप लोगों को समझ में आया, हाथ ऊंचा करके बताइए। गुड, ध्यान दीजिए, अपने आप देखेंगे सवाल हम किस तरीके से हल करते हैं, आप भी करेंगे, सवाल आप लोगों से बनेंगे, बस ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर एक सवाल हम यहाँ पर ले रहे हैं, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए लिमिट x टू 0 अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक्स जा रहा है 0 की ओर, एक्स 0 पे अग्रसर है। ये आपका नया क्वेश्चन लिया हमने, लिमिट एक्स टेंस टू 0 अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। हम मान लीजिए कुछ नहीं किया, डायरेक्ट लिमिट रख दी, एक्स बराबर यदि 0 रख दो, मैंने यहाँ 0 रखा तो ये रूट 2 बन जाएगा, माइनस ये रूट 2 बन जाएगा, रूट 2 में से रूट 2 गया, 0 बच गया आपका, नीचे भी आपका 0, फिर वही संख्या आ गई 0 बटे 0। 0 बटे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, हमें ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से लिखें। अब हमें फिर याद आया कि नहीं, करणी था, करणी के सवाल को परिमेयकरण से हल करना है। हम ध्यान रखेंगे करणी के सवाल जब भी आ जाए उसको परिमेयकरण से हल करेंगे। परिमेयकरण से हल करने के लिए नाइन्थ में हमने सीखा था, अब करणी की राशि दिख रही है हमारे पास में किस चिन्ह से है, माइनस चिन्ह से, हम प्लस चिन्ह से दोनों ओर गुणा करके इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इस सवाल में हमने दोनों ओर करणी 2 प्लस एक्स प्लस करणी 2 माइनस एक्स अपॉन गुणा भी किया और भाग भी। किसी भी संख्या में एक जैसी राशि का गुणा और भाग किया जाए तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ये हमारे पास में नया सवाल हुआ, ये हमने परिमेयकरण किया, परिमेयकरण से इसको हम हल कर सकते हैं। हमें दिख रहा है ऊपर सूत्र आपका बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0, यदि हमने इसको a मान लिया a माइनस बी, ये दिख आपको a प्लस बी, सूत्र हमें पता है a माइनस बी और a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, सूत्र का उपयोग करते हुए हम इसे आसानी से लगा सकते हैं। ए स्क्वायर अर्थात अंडर रूट आपके पास में 2 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, सूत्र से बन गया आपके पास में। नीचे आपके पास में ये x लिखा है और ये नीचे हर में राशि आपके पास में लिखी है अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से हम खोल लें आसानी से, आसानी से इसे खोल सकते हैं, इसको खोलेंगे तो करणी हट जाए, जब भी करणी का वर्ग किया जाता है वर्ग से करणी कट जाती है क्योंकि एक बटे दो होती है, बहुत पहले भी हम ध्यान रख सकते हैं करणी की घात 1/2 होती है। तो आसानी से इसको करते हुए आपके पास में ये आ गया आपके पास में 2 प्लस एक्स, चिन्ह लगा है आपका माइनस इसलिए ब्रैकेट का उपयोग किया जाएगा, ये आ गया आपका 2 माइनस एक्स, नीचे बचा है आपका एक्स और संख्या लिखी हुई है आपकी अंडर रूट 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स। इनको हल किया आपके पास में, जब खोल दिया आपके पास में तो सवाल चेंज हो गया आपके पास में, लिमिट टेंस टू 0 जब इसे हमने हल किया आपके पास में ये दिख गया आपके पास में 2 प्लस एक्स माइनस 2, जब ये खुल गया ब्रैकेट तो ये प्लस एक्स बन गया आपके पास में अपॉन एक्स, पूरी की पूरी राशि वही देखकर हमने लिख दी। आप अपनी कॉपी की नकल बहुत ध्यान से कीजिए, क्या ऊपर लिखा है वो संख्या आप आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से ऊपर की कॉपी की नकल कीजिए तो आप सवाल को सही चीज लिख सकते हैं। दिख रहा है हमारे पास में प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया,
x और x आपस में जुड़ गए तो ये आ गया आपके पास में लिमिट x टेंस टू जीरो, ये आ गया 2x अपॉन x, नीचे आपके पास में लिखा है अंडर रूट 2 प्लस x प्लस अंडर रूट 2 माइनस x। ये x से x कैंसिल कर सकते हैं हम, अब हमने x बराबर 0 रख दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 2 बटे, यहाँ 0 रखा तो ये करनी 2 लिखा है आपके पास में, प्लस करनी 2 अर्थात नीचे आ गया आपके पास में 2 बटे 2 करनी 2 या 1 अपॉन रूट 2 आंसर लिखा जा सकता है। तो हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। परिमेय करण हमें ध्यान रहे, जहां करणी का उपयोग आया है वहां हमें परिमेय करण के सवाल हल करने हैं। हमें ध्यान रखना है गुणनखंड दिख रहा है हम गुणनखंड से सवाल हल करें, प्रतिस्थापन दिख रहा है प्रतिस्थापन के द्वारा सवाल, परिमेय करण यदि हमें दिखाई दे रहा है वहां पर करणी है तो हम करणी के द्वारा सवाल को हल करें। तो हम यदि ध्यान रखेंगे लिमिट के सवाल को किस तरीके से हल करना है तो हमें पूरे नंबर हम एग्जाम में पा सकते हैं। बस ध्यान हमें रखना है कि हमें किस तरीके से सवाल को हल करना है। ये सवाल आपका और रिपीट ध्यान से देख लीजिए, आपके पास में सवाल था आपके पास में लिमिट x टेंस टू जीरो अंडर रूट 2 प्लस x माइनस अंडर रूट 2 माइनस x अपॉन x, इसे हमें दिख रहा था करणी, करणी में हमें परिमेयकरण करना था, ये प्लस माइनस साइन है तो हमने प्लस साइन से ऊपर और नीचे गुणा किया है, परिमेयकरण से गुणा करके सूत्र लग गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र को हल किया है हमने, ये आपके पास में मान आ गया आपके पास में, हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं, आंसर हमें मिला है। तो ध्यान से बहुत अच्छे से यदि हम समझेंगे तो सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। जो सवाल आपको बताया बोलिए समझ में आया, हाथ ऊंचा करके बताइए, इसमें यदि कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। यदि किसी को न समझ में आया हो या हमको कुछ चीज आपको पूछनी है और तो आप अपने माइक से उपयोग कीजिए, सर को बोलिए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। समझ में आ गया ये, अब इसी से हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे। ये तो थे आपके सूत्र के द्वारा सवालों को हल करना, गुणनखंड विधि से, परिमेयकरण विधि से, प्रतिस्थापन विधि से सवालों को इस तरीके से हल किया जाता है। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो केवल डायरेक्ट सूत्रों पर आधारित, अब हम थोड़े से सूत्र लिखेंगे यहाँ पर जिन्हें हमें थोड़े से याद करने हैं। यदि आपको सूत्र याद रहे बहुत जल्दी आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो कुछ सूत्र कैसे हल किया जाए ये हम आपको बताते हैं, और सूत्रों को आप याद रखिए तो सूत्र यदि आप याद रखेंगे सवाल बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। आपको दिखेगा ये सवाल बहुत बड़ा है लेकिन यदि आपको सूत्र याद आ जाए तो डायरेक्ट सूत्र लगाकर सवाल को बहुत जल्दी हल किया जा सकता है। अब हम सूत्रों के द्वारा देखेंगे, सूत्रों के द्वारा देखने के लिए आपके पास में कुछ सूत्र हैं, जैसे पहला सूत्र लिमिट x टेंस टू a x की घात n माइनस a की घात n अपॉन x माइनस a का मान होता है n a की घात n माइनस 1। ये एक सूत्र है, कहां से आया हम सिद्ध भी करके बतला सकते हैं कि आंसर कैसे आया इसको, लेकिन इसे सूत्र के तौर पर हम याद रख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू a x की घात n माइनस ए की घात एन अपॉन एक्स माइनस ए, यदि वहां लिखा हुआ है तो उसका आंसर डायरेक्ट यदि हमें याद है तो हम एन ए की घात एन माइनस वन लिख सकते हैं। अब ये बताएंगे हम आया कहां से, आपको किस तरीके से हमने इसे निकाला, हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, लेफ्ट हैंड साइड से लिखा हुआ आपके पास में लिमिट एक्स टेंस टू ए दिख रहा है आपके पास में। यदि मैंने इसके पहले वाले सवाल में आपको बताया था प्रतिस्थापन के द्वारा हल करना, प्रतिस्थापन के द्वारा इसको अब हम हल करेंगे। हमने एक लिमिट ली आपके पास में, सवाल वही लिखा हुआ है आपके पास में, मैंने एक संख्या मान ली आपके पास में, x की जगह मैंने लिख दिया x प्लस h, इसे लिखा मैंने लिमिट, प्रतिस्थापन किया h टेंस टू जीरो, जहां x लिखा था वहां लिख दिया
की घात n माइनस a की घात n अपॉन a प्लस h माइनस a प्रतिस्थापन का, जहां आपका x लिखा था वहां मैंने क्या लिखा a प्लस h। क्यों लिखा? क्योंकि मैं इसमें राइट हैंड लिमिट लेके चल रही हूं। इसके पहले वाले में आपको बताया था राइट हैंड लिमिट में, तो x प्लस a मैंने लिख दिया आपके पास में, और h कहां पर जा रहा है? जीरो की तरफ पर। जब h जीरो की तरफ अग्रसर है तो वो सवाल आपका जैसे x टेंड्स टू a की जगह मैंने रख दिया x की जगह a, वही सवाल बन जाएगा आपका। तो मैंने एक प्रतिस्थापन के द्वारा इसको सवाल हल करने की कोशिश की। दिख रहा है आपके पास में a की घात n यहाँ है, यहाँ भी a की घात n है। यदि a की घात n कॉमन निकाल लिया जाए, पहले इसे देख लिया जाए, a प्लस h में से a जाएगा, केवल h बचेगा। इसको मैं आसानी से लिख सकती हूँ, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसमें से यदि आपने a की घात n कॉमन लिया है तो ये कॉमन निकलने पे यहाँ वन बचा आपके पास में, यहाँ बचेगा पौने पूरे की घात n माइनस a की घात n बटे, यदि ये ब्रैकेट को खोल लिया तो a प्लस h माइनस a लिखा जा सकता है आपके पास में। a से a आपका कैंसिल हो गया आपके पास में, केवल बचा h। मैंने मान रख दिया आपके पास में, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, वन अपॉन h मैंने बाहर लिख लिया, ये बचा तो जाता आपका h, इसको मैंने बाहर लिख दिया। अब पूरे सूत्र को ध्यान से देखते हुए, a की घात n लिखा हुआ है आपके पास में, दोनों में a की घात n है, a की घात n कॉमन ले लिया आपके पास में, वन प्लस h अपॉन a पूरे की घात n माइनस वन। इलेवेंथ में द्विपद प्रमेय पढ़ी थी हमने, द्विपद प्रमेय का यहां पर हम ऑप्शन इसे उपयोग कर सकते हैं। हमने पढ़ा था 1 प्लस एक्स की घात n की द्विपद प्रमेय, 1 प्लस एक्स की घात n की द्विपद प्रमेय हमने पढ़ी थी, x की घात n धीरे धीरे उत्तरोत्तर पर धीरे धीरे घात कम होती है, n1 nc0 आपको याद होगा, वही द्विपद प्रमेय का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो द्विपद प्रमेय से इसे हम लिख सकते हैं आपके पास में, लिमिट h टेंस टू जीरो वन अपॉन h a की घात n, दिख रहा है वही कॉमन था आपके पास में, हमने 1 प्लस एच अपॉन ए की घात n से द्विपद प्रमेय लगाई। द्विपद प्रमेय लगाने पर आपके पास में पहला फैक्टर आपका दिख रहा है 1, तो 1 लिख दिया हमने, दूसरा आता है आपके पास में गुणनखंड n, nc0, nc0 n के बराबर होता है, x दिख रहा है आपके पास में एच अपॉन ए, पहला पद एच अपॉन ए हो गया आपके पास में, दूसरा पद n, n माइनस वन फैक्टर हो गए, नीचे आ गया फैक्टोरियल 2, नीचे आ गया आपके पास में एन स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस तरीके से हम बहुत सारे पद खोल सकते हैं, n n माइनस वन एन माइनस टू अपॉन नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 3, एच क्यूब अपॉन ए क्यूब से लेके अनंत तक, फिर ये लिखा माइनस वन। ये माइनस वन और ये प्लस वन को हम आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। आप देखिए सब में h आ रहा है आपके पास में, ये h भी कॉमन लिया जा सकता है आपके पास में, लिमिट h टेंस टू जीरो वन अपॉन h a की घात n पहले से लिखा है, इसमें हमने h कॉमन ले लिया आपके पास में, h कॉमन ले लिया आपके पास में, तो हमारे पास में ये दिख रहा है n अपॉन a प्लस यहां दिख रहा है n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2, एच कॉमन निकल गया, एक h बचा बटे a स्क्वायर, ऐसे सब राशि में h मिलेंगे आपके पास में। देखिए n माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3, एच स्क्वायर क्योंकि एक कॉमन निकल गया, ए क्यूब से लेके अनंत तक, ये h से ये h कैंसिल, a की घात n से आप देख रहे हैं हम h बराबर जीरो डाल दें तो ये सारे सेंसर लिख सकते हैं आपके पास में, a की घात n इंटू एन अपॉन ए, अर्थात n a की घात n माइनस वन, जो हमारा आंसर था वो हमें मिल गया। तो ये सूत्र कैसे आया ये हमने अभी आपको बताया कि ये सूत्र को हमने कैसे निकाला। सूत्र की उत्पत्ति की जा सकती है लेकिन हर जगह हम उत्पत्ति नहीं करेंगे। यदि वो सिद्ध करने को बोलेगा तो हम उसे बताएंगे कि हाँ ये कैसे सिद्ध हुआ, लेकिन इनको डायरेक्ट सूत्रों का उपयोग करके हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो आपके पास में जो हमने ऊपर लिखा था कि सूत्र आपने लगाया था लिमिट
x tends to a, x की घात n माइनस a की घात n अपॉन x माइनस a का मान n a की घात n माइनस है आपके सारे नेचुरल नंबर के लिए. अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू कैपिटल n. कैपिटल n एक समुच्चय है जो हम जानते हैं. सारे आपके समुच्चय आपके संख्याएं हमको पता है. सारी नेचुरल संख्याएं 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक सारी धनात्मक नेचुरल संख्या इसको हमने सूत्र के तौर पर निकाल दिया. अब हम सूत्र को कैसे सिद्ध किया ये हमने आपको बताया. अब इस सूत्र का डायरेक्ट उपयोग करके हम सवाल को हल कर सकते हैं. डायरेक्ट हमारे पास में सूत्र उपयोग करेंगे. कैसे आया ये हमने निकाल के आपको बता दिया. इसको कैसे उपयोग किया जाता है ये हम तो कुछ सवाल हैं आपकी प्रश्नावली में कि इनको सूत्रों के द्वारा हल करना. एक सवाल देखिए हम जैसे एक सवाल लिमिट x टेंस टू 5 x की घात माइनस 125 बटे x माइनस 5 हमें इसका मान ज्ञात करना है. हम ध्यान दें तो ये दिख रहा है हमारे पास में लिमिट x टेंस टू 5 x की घात 3 माइनस इसे लिखा जा सकता है 5 की घात 3 5 में 3 बार गुणा करो तो 125 आता है बटे x माइनस 5. हमें याद आया हमने एक सूत्र पढ़ा था. सूत्र हमको याद रहेगा तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं. सूत्र अभी ने पढ़ा x टेंस टू a x की घात n माइनस a की घात n अपॉन x माइनस a का मान कैसे निकाले. अब भी हमने निकाला था n a की घात n माइनस 1. बस दिख गया हमारे पास में a किसके बराबर दिख रहा है यहाँ पर 5 के बराबर. n किसके बराबर दिख रहा है 3 के बराबर. डायरेक्ट सूत्र हमने लगाया आपके पास में तो हमारे पास में डायरेक्ट सूत्र से हम आंसर लिख सकते हैं आपके पास में 3 a दिख रहा है आपके पास में 5 5 में से 3 में से आ गया आपके पास में 3 गुणा 5 2 25 में 3 का गुणा किया तो 75 आंसर. सूत्र आसानी से हमें पता है तो सवाल को हम हल कर सकते हैं. तो हम ध्यान रखें कि हम सूत्रों का कैसे उपयोग करें. तो जब आप ध्यान से सूत्र लगाएंगे तो सवाल को आसानी से किया जा सकता है. बताइए सवाल समझ में आया आप लोगों को. बोलिए सवाल हमने करा सूत्र आपको निकाला समझ में आया. गुड. एक सवाल और हम बता रहे हैं आपके पास में. एक सवाल और ले रहे हैं हम आपके पास में लिमिट x वन माइनस x की घात माइनस 1/3 बटे 1 माइनस x की घात माइनस 2/3 इसका भी हमें परिकलन करना है. सूत्र हमने ये पढ़ा है ये दिख रहा है माइनस. हम इसको बदल सकते हैं बटे की संख्या में कर सकते हैं. हमने इसको लिखा लिमिट x टेंस टू 1 यदि हमने इसको लघुत्तम बटे में कर दिया तो आपकी माइनस की घात प्लस में बन गई. x की घात 1/3 इसे भी हमने नीचे लिखा आपके पास में घात आप प्लस में बन गई x की घात 2/3. हम एलसीएम लेके हल कर सकते हैं. हमने एलसीएम लिया लिमिट x टेंस टू 1 इसको एलसीएम लेंगे इसका एलसीएम आ गया x की घात 1/3 इधर गुणा में हो गया आपके पास में x की घात 1/3 माइनस 1 बटे में यहाँ भी x की घात 2/3 आपके पास में आया. ऊपर के पास में आ गया x की घात 2/3 माइनस 1. जब हमने इसको चार हमें संख्याएं पता है तो लिखी जा सकती है नीचे वाली ऊपर चली गई x की घात 2/3 नीचे आ गई x की घात 1/3 गुणा में हो गया आपके पास में x की घात 1/3 माइनस 1 यहाँ आ गया x की घात 2/3 माइनस 1. हम इसे घटा सकते हैं आधार एक समान है तो घट सकता है आपके पास में लिमिट x 1 ये जब घट गया आपके पास में तो 2/3 में से 1/3 घटेगा बचेगा आपकी घात 1/3 इसको हम सूत्र से कर सकते हैं x की घात 1/3 माइनस 1 हमको नीचे चाहिए था x माइनस 1 का हमने गुणा और भाग कर दिया तो हम आसानी से हल सवाल को कर सकते हैं. जब हम इसमें मान रखेंगे आपके पास में x बराबर 1 रखा तो यहाँ 1 मान आ गया आपके पास में. इसमें हमने लिमिट लगाई सूत्र हमने ऊपर पढ़ा था
एन दिख रहा है आपको एक बटे तीन के रूप में, ए दिख रहा है आपको एक, अर्थात एक बटे तीन माइनस वन घात बन गई। इसी प्रकार नीचे आपके पास में दो बटे तीन, एक की घात दो बटे तीन माइनस वन, एक की घात कुछ भी हो बनना है, ये परिमेयकरण के आपके पास में, हालांकि आंसर एक बटे दो। माइनस वाली घात थी उसको हमने प्लस में बनाया, और प्लस में बनाने के बाद सवाल को हमने हल किया। बोलिए समझ में आया आप लोगों को? क्लास का टाइम भी हो, आप लोगों को जितना पढ़ाया उसमें कुछ पूछना है, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? समझ में आया जो समझाया आप लोगों को? हाथ ऊंचा करके बताइए यदि आपको समझ में आया या नहीं आया, बताइए। जो सवाल आपको कराए वो समझ में आए या नहीं आए? पूछा है आप लोगों को? कुछ पूछना है आप लोगों को? सवाल जो बताए समझ में आया आपको? कुछ पूछना है तो बोलिए। Thank you.